हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको मोटोरोला रेजर और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप का यहाँ पर कंपैरिजन करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है। और आप अगर लेना चाहते हो फ्लैगशिप फ़ोन, इतना लाख के ऊपर फ़ोन लेना चाहते हो कोई सा भी, तो आपको बताऊंगा मैं दोस्तों कि आप कौन सा ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ये डायमेंशन से, तो डायमेंशन में दोस्तों यहाँ पर इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं तो 3.44 mm का फोल्डेबल है और यहाँ पर मोटोरोला है 3.7 का। ओके, और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 2.9 mm की विथ है और यहाँ पर 2.83 की विथ है यहाँ पर मोटरोला की, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जीत जाता है मोटरोला। और यहाँ पर बात कर लेते हैं थिकनेस की, तो 7.2 mm का थिकनेस है सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप में और यहाँ पर थिकनेस मोटरोला में 6.9 mm की है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और वेट दोस्तों दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मोटरोला का ज़्यादा है, 205 ग्राम का, और एल्यूमिनियम फ्रेम है दोनों में ही और यहाँ पर डुअल सिम है, लेकिन मोटरोला में दोस्तों फ़ायदा ये है कि ई सिम है आपके सब पास, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। और डिस्प्ले की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर डायमेंशन के बाद, तो डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप में डायनामिक मिलेगी फोल्डेबल और सुपर स्क्रीन एमोलेड 6.7 इंचेस का, और यहाँ पर आपको मिलेगा 6.2 का कवर डिस्प्ले के साथ में, तो एक्सपेक्ट रेशियो दोनों का बराबर है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रिजोल्यूशन की, तो रिजोल्यूशन दोस्तों यहाँ पर मोटरोला में थोड़ा सा कम है 876 का और यहाँ पर सैमसंग में थोड़ा सा वो है, तो यहाँ पर मोटरोला यहाँ पर दोस्तों पीपीआई डेंटेंशन में भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं, तो दोनों में सेम प्रोटेक्शन है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की, तो दोनों यहाँ पर बराबर प्रोटेक्शन देते हैं साथ ही साथ। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म की, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया है आपको, तो वो यहाँ पर दिया गया है CPU 1.2 GHz का। यहाँ पर दोस्तों सेम प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865 है, लेकिन यहाँ पर मोटरोला में 710 है। यहाँ पर दोस्तों एड्रीनो 616 है और यहाँ पर सैमसंग में थोड़ा सब बड़ा हुआ है। और यहाँ पर एंड्रॉइड 10 का OS आपको देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ, और यहाँ पर 3.5 mm की जैक देखने को मिल जाएगी, दोनों में नहीं मिलेगी, सॉरी दोस्तों नहीं मिलेगी, और लाउड स्पीकर आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर मेमोरी की, तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनल मेमोरी की बात कर लेते हैं दोनों में कौन कौन सी इंटरनल मेमोरी है, तो यहाँ पर आपको 8 GB की रैम और 6 GB की रैम वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, 256 की और 128 का यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, और कार्ड स्लॉट नहीं दिया गया है दोनों में ही। तो दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कैमरास की, तो कैमरे को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, मेन एक्सपेक्ट है यहाँ पर। तो सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप में आपको 12 मेगापिक्सल का दो कैमरे मिलेंगे, वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड, LED फ्लैश, HDR, पेनोरामा सपोर्ट करते हुए मेन कैमरा है जो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो मोटरोला में मेन कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का F1.7, तो यहाँ पर TOF 3D कैमरा भी है यहाँ पर। मैं मोटरोला को सपोर्ट करता हूँ दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1.7 का फीचर और 3D TOF लिया गया है, तो सेम कैमरा यहाँ पर मोटरोला का बेस्ट माना गया है दोस्तों यहाँ पर, आप रूमर्स देख रहे हो तो। दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर उसमें क्योंकि डुअल कैमरा है तो ये इसलिए थोड़ा सा वो जीत जाता है। और यहाँ पर दोनों में 30 FPS की वीडियो शूट कर सकते हैं 2160 एक्सपेक्ट पिक्सल के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सेल्फी कैमराज की, तो सेल्फी में आपको 10 मेगापिक्सल की इसमें मिलेगी सैमसंग में और 5 मेगापिक्सल की मोटरोला में मिलेगी, लेकिन F1.9 का अपेचर है, आप अपेचर को देख के सेल्फी लीजिए दोस्तों यहाँ पर, चाहे 50 मेगापिक्सल की सेल्फी क्यों ना हो लेकिन अपेचर उसका अच्छा नहीं है तो कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पर कॉमन्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, NFC, USB 3.1, Type-C, 1.0, तो यहाँ पर सभी दोनों में बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके फीचर्स की, तो फीचर्स में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप में यहाँ पर साइड माउंटेड है और यहाँ पर फ्रंट माउंटेड फिंगरप्रिंट है, एक्सेलेरोमीटर है, ग्रैविमीटर है, कंपास है, बैरोमीटर है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर बैटरी की बात कर लेते हैं, तो बैटरी यहाँ पर दोनों में कितनी दी गई है, सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप में 3300 की है और यहाँ पर मोटरोला में 2510 की, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसमें 15 वाट का चार्जर है और इसमें भी 15 वाट का चार्जर है। तो दोस्तों नेटवर्क की बात कर लेते हैं फाइनली, तो दोस्तों नेटवर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नेटवर्क के लिए GSM, HSPA और LTE, यानी कि दोनों 4G सपोर्ट सक करते हैं, दोनों मोबाइल 4G मोबाइल है, तो ये कमाल की बात है दोस्तों। यहाँ पर 5G नहीं दिया तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बस 5G, लेकिन आया भी नहीं वैसे अभी तो। और प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो प्राइस यहाँ पर $1670 की यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 की है और यहाँ पर मोटरोला की $1775। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा महंगा है सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 22 पॉइंट्स है और यहाँ पर मोटरोला को 12 पॉइंट्स है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड एंड टेक केयर।